कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में किसानों का महाचक्का जाम, एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसानों के चक्का जाम को लेकर पुलिस अलर्ट, दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई। देश में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को दोपहर 12 से 3 बजे तक किया जाएगा जाम, इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम, राकेश टिकैत बोले स्टैंड बाय में रहेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के 1,00,000 किसान। दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा चक्का जाम, किसान नेताओं के मुताबिक सभी विरोध स्थल पहले से ही चक्का जाम मोड में हैं। किसानों के चक्का जाम से अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, आज बंद हो सकते हैं 12 मेट्रो स्टेशन भी। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी सिवाय उनके जहां पहले से ही किसानों के पक्के मोर्चे लगे हुए हैं। चक्का जाम कार्यक्रम के बाद किसानों का अनोखा प्लान, 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संकेत देंगे। किसान के चक्का जाम को देखते हुए आज गाजीपुर के आसपास के सभी स्कूल रहेंगे बंद, 26 जनवरी को किसानों के उपद्रव के बाद प्रशासन का फैसला। सिंघू बॉर्डर पर और मजबूत किया गया सुरक्षा घेरा, सरिया और कॉन्क्रीट की बनाई गई है पक्की बैरिकेडें। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए हरियाणा में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए हरियाणा के रोहतक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं, 1 को रिजर्व पर रखा गया। चक्का जाम को लेकर पंजाब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, तमाम संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा की भारी तैनाती। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार किसान आंदोलन पर नसीहत दी, प्रशासन और प्रदर्शनकारियों दोनों से अधिकतम संयम बरतने की अपील। दिल्ली हिंसा केस में 10 और चेहरे बेनकाब, पुलिस ने 10 दंगाइयों की जारी की तस्वीर, आईटीओ और लाल किले पर मचाया था उत्पात। किसानों के चक्का जाम को कांग्रेस का समर्थन, दौसा में महापंचायत में बोले सचिन पायलट, किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस, जल्द दिल्ली कूच करने की बात कही। चुनाव से पहले तमिलनाडु में AIADMK का बड़ा दावा, किसानों का 12,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ किया, 16,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिंधु दुर्ग दौरा टला, अब 7 फरवरी को सिंधु दुर्ग जाएंगे अमित शाह। पीएम मोदी आज गुजरात हाईकोर्ट पर जारी करेंगे डाक टिकट, हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बजट पर पूरे देश में आज से बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्मृति ईरानी गुवाहाटी तो रविशंकर प्रसाद पटना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा के जरिए बीजेपी ने जारी किया व्हिप, सांसदों को 8 से 12 फरवरी तक मौजूद रहने के निर्देश। सदन में हंगामा और काम नहीं होने पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दुखी, कहा सदन में चर्चा का स्तर लगातार गिर रहा है, लोगों की नजर में नेताओं की छवि गिर रही है। नवी मुंबई की वाशी टोल तोड़फोड़ मामले में आज पेशी बेलापुर कोर्ट में, MNA सुप्रीमो राज ठाकरे की हाजिरी होगी। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर आज आ सकता है कोर्ट का फैसला, करीब 13 एकड़ जमीन के मालिकाना हक पर फैसला आएगा। काला हिरण शिकार मामले में आज सलमान खान की जोधपुर कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे सलमान खान। दिल्ली में सस्ती होगी प्रॉपर्टी, केजरीवाल सरकार ने सर्किल रेट 20% तक कम किए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पाक की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, 3 हैंड ग्रेनेड, AK-47 मैगजीन और कारतूस जब्त किए गए। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल मिले हैं, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हुई, कई इलाकों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा का आज से आगाज, नदिया के नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा को पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में बीजेपी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य को मिली जान से मारने की धमकी, 1 हफ्ते में शांतिपुर नहीं छोड़ने पर बदमाशों ने हत्या की धमकी दी। हैदराबाद में प्यार का प्रस्ताव ठुकराना, महिला को भारी पड़ गया, एक तरफा प्यार में पागल सनकी आशिक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। देश में अब तक 52,90,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, 21 दिनों में 5 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है हिंदुस्तान। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की अपील की। 10 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल, 1 मार्च से 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने का ऐलान। ग्रेटर नोएडा के मैच में के बाद 3 सिलेंडर फट गए, हादसे के बाद पूरी इमारत में आग लग गई, दमकल कर्मियों ने लोगों को रेस्क्यू किया। लखनऊ में लोक भवन के सामने बुजुर्ग ने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह की कोशिश की, मकान पर दबंगों के कब्जे से परेशान था पूरा परिवार।
उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने महिलाओं के साथ की बदतमीजी, कहा घर नहीं बना पा रही हैं तो बच्चे क्यों पैदा किए। एमपी में शुरू होगी देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना, 15,000 से ज्यादा छात्रों का होगा बीमा, 2,00,000 का कैशलेस मेडिक्लेम और 10,00,000 रुपए तक का दुर्घटना कवर भी शामिल। भोपाल के बहुचर्चित अनिता शर्मा रैगिंग केस में जिला कोर्ट का फैसला, 4 छात्राओं को 5-5 साल की सजा, तो 2013 में रैगिंग से परेशान होकर बी फार्मा की छात्रा ने खुदकुशी की थी। ग्वालियर में स्कूल से लौट रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, गांव के युवक पर रेप का आरोप लगा, केस दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेत माफियाओं ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, पुलिस ने अवैध रेत से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉलीज को जब्त किया है। आज से आम लोगों के लिए खुल रहा है मुगल गार्डन, फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद, पिछले कई घंटों से बिजली भी गुल। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले दिन जो रूट से जड़ा शतक, 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के 263 रन। सभी टेस्ट मैच में शतक लगाकर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने इतिहास रचा, ऐसा करने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी बने। चेन्नई टेस्ट में जगह नहीं मिलने से नाराज हुए कुलदीप यादव, विराट कोहली के इस फैसले पर गौतम गंभीर ने भी उठाए सवाल। फिल्म धाकड़ में कंगना का महंगा एक्शन सीन, एक सीन पर खर्च हो रहे हैं करीब 25 करोड़ रुपए। अर्जेंटीना की जंगलों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने में जुटे। और बाइडेन का विदेश नीति पर पहला भाषण, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत का जिक्र नहीं किया लेकिन चीन और म्यांमार के मुद्दों पर दिए कुछ संकेत।